हम जो मुस्लिम्स है ना, वी वर सपोज टू लीड, दुनिया को हमारे पीछे होना चाहिए था, हम दुनिया को हमारे तरफ देखना चाहिए था कि ये लोग क्या करते हैं। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना कि इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, यानी पूरा वे ऑफ लाइफ, कोई ऐसा कॉर्नर नहीं छोड़ा, कोई ऐसा जिंदगी का गोशा नहीं छोड़ा हुआ जिसमें हमारी रहनुमाई नहीं हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग यकीन करें वाकईतन आखिरत का यकीन ही नहीं है। चाहे मैं जो मर्जी, जितना मर्जी मैं मोहम्मद नाम रख लूँ, फातिमा नाम हो जाए, खदीजा नाम हो जाए, लेकिन वाकईतन क्या हमें यकीन है कि हमारा रब अल्लाह है? अगर मुझे यकीन हो कि जी मैं, चाहे शादी का इशू है फॉर एग्जांपल, या शादी मेरी कैसे होगी, मेरी नौकरी, जॉब, मुझे पैसा, मुझे कहाँ से आएगा, अगर अल्लाह पे यकीन है तो ये आपकी सारी मुश्किलात हल होती रहेंगी। वल्लाही क्यों, अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया और बार बार ये आयात रिपीट की जाती है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, कि जो अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करता है, आप जितनी मर्जी मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, आप बदसूरत हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप छोटे हैं, लंबे हैं, जो मर्जी हैं, काले हैं, गोरे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए एग्जिट निकालेगा ही निकालेगा। वयरज़ुकु मिन हैथु ला यहतसिब, और यहाँ पे रिस्क सिर्फ आपको पैसा नहीं है, हर किस्म का रिस्क आपको दिया जाएगा। आपको सेहत रिस्क है, सही, माल रिस्क है, यकीन करें। आपने फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होगा कि आप जब तक अपना वो हराम रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी अच्छी शादी, आपको अच्छा पेयर नहीं मिलेगा, नहीं। कभी अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करके देखें, सही बात है। वल्लाही जो मुसब्बिबुल असबाब है, आपको हर चीज से निकालने वाला, आपके पास जो जो नेमत है, वमा बिकुम मिन नियमतिन फमिन अल्लाह, जिस दिन हमें ये समझ में आ गया ना कि जो कुछ नेमत हमारे पास है, इस फ्रॉम अल्लाह सुभान व तआला, तो वल्लाही हमारे जो है ना प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, कितनी जबरदस्त आयत नजर फरमाते हैं, थुम्मा इज़ा मस्सकुम अद्दुर्रु फइलैही तजअरून, जब तुम्हें जरर पहुंचता है ना, कोई तुम्हें मुसीबत आती है, कोई भी तकलीफ आती है, तुम फिर जो है ना उसकी तरफ पलटते हो अल्लाह की तरफ। और वल्लाही हमारा हाल यही है, मुश्किल आएगी तो हम लोग तहज्जुद भी शुरू कर देंगे, पांच नमाजें भी शुरू हो जाएंगी। थुम्मा इज़ा कशफ अद्दुर्रु अन्कुम इज़ा फरीकुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून, जब वो तुम्हारी मुश्किल दूर कर देता है ना, तुम फिर जो है ना शिर्क करने शुरू होते हो, यानी तुम किसी और काम में पड़ जाते हो। लियकफुरु बिमा आतैना, यानी ताकि तुम नाशुक्री करो जो तुम, जो उसने तुम्हें दिया। और आगे कितने यानी हमारे लिए अलार्मिंग जो है सिचुएशन है, तो फरमाते हैं फसौफ तअलमून, अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा। तो यकीन करें, देखें ये जवानी है, ये जो कुछ है, हमें चाहिए कि हम ना, वल्लाही अगर हम इस जवानी में संभल गए ना, तो यकीन करें अल्लाह ताला इतना खुश होता है जवानी की तौबा से, जवानी की इबादत से, सुभान अल्लाह।